प्रदेशों में भी जा रहा हूँ लखनऊ, प्रदेशों में भी जा रहा हूँ लखनऊ। तो अभी मैं यहाँ पर रास्ते में था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये गोंडा रोड है और इधर जाती है लखनऊ को। अभी दरअसल ट्रेन आने वाली है तो इसलिए मैं रुक गया हूँ यहाँ पर। देख सकते हैं आप लोग, मैं बाइक से जा रहा हूँ लखनऊ। अभी कुछ देर और ये ट्रेन आ रही है आप लोग। शाम के 5:30 बज रहे हैं करीब। माल गाड़ी है, थोड़ी लंबी होगी, शायद 1 मिनट लग जाए गुजरने में। इसको धीरे भी चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है तो जल्दी निकल जाती है, लेकिन अभी देख रहे हैं आप लोग कितनी बड़ी ट्रेन है, मालगाड़ी है ये। ट्रेन गुजर चुकी है, मैं निकलने जा रहा हूँ। शाम के बज चुके हैं 6, मैं पहुंच चुका हूँ के पुल पर। तो चलिए चलते हैं, पार करते हैं घाघरा रिवर के पुल को। देख सकते हैं आप लोग लगभग सूख चुकी है, थोड़ा बहुत पानी लग चुके हैं और लगभग 400 मीटर लंबा पुल है घाघरा का। और उधर है मेरे राइट साइड में है ट्रेन वाला पुल, और ये है बस बाइक ट्रक वाले पुल। देख सकते हैं आप लोग लगभग सूरज ढल चुका है और मैं चल रहा हूँ अभी। दोस्तों बज चुके हैं 6:30, तो मैं अभी पहनने जा रहा हूँ स्वेटर, क्योंकि मुझे लगने लगी है ठंड। मैंने स्वेटर पहन लिया है और चलते हैं आगे। अभी 50 किलोमीटर है लखनऊ, तो अभी मुझे 1.5 घंटे लगेंगे, लगभग करीब 8 बज जाएंगे रात के। तो चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। शाम के बज गए हैं 7 बजने में, अभी वैसे 10 मिनट बाकी है। मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा तो मैंने सोचा यहाँ टिक्की वगैरह दिखाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है ये, मसौली थाना के बगल में है। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, इस रेस्टोरेंट का नाम है ऊ जंक्शन रेस्टोरेंट, जो मसौली थाना के बगल में है। देख सकते हैं आप लोग कितनी सजावट है, और पास चल के आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, देखिए ऊ जंक्शन रेस्टोरेंट कितना अच्छा बना हुआ है, कितनी सजावट है अंदर की दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। थोड़ा और पास चलते हैं, ये देखिए वो
वैसे कोई भी ग्राहक यहाँ दिख तो नहीं रहा है, इससे पता चलता है कॉस्टली भी हो सकता है। और ये भी नया नया बना है, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। आप लोग अगर कभी बाराबंकी आए तो यहाँ जरूर रुकें, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मैंने टिक्की खाकर देखा है अभी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं शौचालय भी बना हुआ है, और इधर देख सकते हैं आप लोग पाव भाजी खस्ता बर्गर भी है यहाँ पर बनता है। और वैसे ठंडी का मौसम खत्म हो चुका है, तो गर्मी का मौसम आ गया है और ठंडा भी होने लगा है। तो अब यहाँ देखते हैं, अच्छा 10-5 मिनट टाइम में सब मिल जाएगा। बहुत दिन नहीं हुआ, अभी जल्दी खुला है रेस्टोरेंट में। अच्छा हाँ, वही तो, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट बन गया है। अभी यहाँ लोगों को जानकारी नहीं, लस्सी से सब मिलेगा, अच्छा आइसक्रीम व्यवस्था है सब मिलेगा। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ, आप लोग ये देख सकते हैं बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने मैं खड़ा हूं और चलता हूं अपने रूम की तरफ। ये है बीबीडी यूनिवर्सिटी, लखनऊ की जानी मानी यूनिवर्सिटी। ठीक इसके सामने है क्राउन आईनॉक्स, शायद सिनेमा घर होगा, ढेर सारी दुकानें। चलते हैं आगे। और ये है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर एक्सटेंशन का, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं रोहित हाइट्स के बगल में है। इसी के बगल है अपार्टमेंट जहाँ मुझे जाना है, चलते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ लखनऊ, और दोस्तों हेलो दोस्तों, प्यारा प्यारा भैया, इसका बर्थडे था, लेकिन इस बार शिवरात्रि के दिन बर्थडे पर जाने के कारण इसका बर्थडे नहीं मनाया गया। हेलो दोस्तों, इसलिए दुखी था, गुब्बारा लिए तब से घूम रहा है, और देखिए कितना सजाए बजाए है, ये देखिए शुरू हो जाते हैं। चलते हैं फ्रेश होकर, खाना पीना खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।